Hello and welcome to Pharma Warrior. So in this video, we are going to discuss about the admission process and the form filling process of Bharati Vidyapeeth, which is also known as Pune College of Pharmacy. So Pune College of Pharmacy, it is one of the top institute in Maharashtra for the M Pharmacy and B Pharmacy. So this video is basically for the M Pharmacy admission. तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसको कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेस है। तो ये जो है पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर जो इनकी फैकल्टीज है उसकी डिटेल्स है, उसके बाद में जो इनकी रिक्रूटिंग कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए वो सारी कंपनीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर आप पीजी प्रोग्राम के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनके पास में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो जैसे कि इन फार्मा, इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोटेक, फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बाद में फार्म डी, जो बी फार्म के बाद में जो फार्म डी होता है वो। तो ये सारे इसके अंदर पीजी कोर्सेज के अंदर है। तो लगभग सारे ही कैटेगरीज का एम फार्म यहाँ पर आपको, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको और भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है लेनी है, इसके रिगार्डिंग जानना है कुछ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। टिपिकली इनका जो एडमिशन प्रोसेस है, तो इनका एक अलग से एंट्रांस होता है, उसके थ्रू ही ये एडमिशन लेते हैं। उसके बाद में अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसको ए प्लस ग्रेड मिला है इन नैक 2017, देन 76 पोजीशन के ऊपर आता है एनआरएफ 2022 के अकॉर्डिंग, और ए ग्रेड मिला है इसको एमएचआरडी की तरफ से। अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है फॉर्म। तो इसका जो प्रोसेस है एंट्रांस का, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी कुछ फिलअप करना पड़ेगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक मोबाइल वेरिफिकेशन होगा जिसके अंदर आपका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इनके पोर्टल के अंदर डालना रहेगा। उसके बाद में जो फॉर्म फिलिंग, जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है वो करनी है, देन उसके बाद में जो एंट्रांस एग्जाम की फीस है वो आपको पे करना है, देन जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में जो है आपका एंट्रांस होगा, एंट्रांस के बाद में आपका रिजल्ट लगेगा, उसके बेसिस के ऊपर आपकी काउंसिलिंग होगी। तो भारतीय विद्यापीठ ने जो इनका पुराना शेड्यूल डाला था उसके अंदर इन्होंने जो लास्ट डेट बताई थी फॉर द एम फार्मेसी, देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है एम फार्मेसी, और ये जो एंट्रांस का नाम है एम फार बीवी एम फार्मा पीजी 2023। तो इसका लास्ट डेट इन्होंने बताया था रजिस्ट्रेशन का 6 जुलाई 2023, और एंट्रांस जो डेट था वो था आपका 16 जुलाई 2023। बट एज पर द न्यू सर्कुलर, जैसे कि इन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, तो जैसे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, एडमिशन काउंसलिंग की जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस है, तो इसके अंदर आपको सर्च करना है एम फार्मा कोर्स कहाँ पर है, ठीक है। सो एम फार्मा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो वहां पर सर्च करने के बाद जब आप यहाँ पर लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद में कुछ इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। तो इसके अंदर जैसे कि दिख, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया पीजी, देन बीबी फार्मा पीजी 2023 एम फार्मेसी, और जो यहाँ पर ये एप्लीकेशन डेट बता रहा है, तो एप्लीकेशन डेट बता रहा है 22/7/2023, यानी अभी भी आपके पास में कुछ 5 से 7 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम फीस जो है इसकी 2000 रुपीज है, और एग्जाम डेट जो है इसकी 30 जुलाई 2023। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फीस आपको ध्यान में रखना है, लास्ट डेट ये है 22/7/2023, और इनका जो एग्जाम होता है, हो सकता है एग्जाम जो है आपका सेंटर के ऊपर हो या फिर घर के ऊपर भी हो सकता है आपका एग्जाम, मतलब आपको प्रॉक्टेड एग्जाम होगा। प्रॉक्टेड एग्जाम के अंदर आपको वेब कैम स्टार्ट करना होगा, वेब कैम स्टार्ट करने के बाद में आप इनका जो है एंट्रांस अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरली कोविड के अंदर इन्होंने वेब के ऊपर लिया था, यानी घर के ऊपर ही एग्जाम दिया था प्रॉक्टेड मोड से। अभी पता नहीं कि ये एग्जाम किस तरह चलेंगे, आप ब्राउचर एक बार देख लेना, उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्लिक करके बताता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, देन रजिस्टर के ऊपर ये सारी डिटेल जो भी है ना, ये सारी डिटेल्स प्राइमरी डिटेल्स है, आपको सब फिल करनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम थोड़ा सोच समझ के डालिएगा, जिस तरह से आपका जो फाइनल ईयर की मार्कशीट के ऊपर, उस तरह से यूजर नेम आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि जो भी आपका फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के थ्रू होगा। देन जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालोगे तो उसके बाद में आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में यहाँ पर एक विंडो आएगा, उसके अंदर आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद में ओटीपी डालने के बाद में आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद में आपको, उन्होंने मेंशन किया है तो सिलेबस के अंदर
जो बेसिकली जीपैट का जो सिलेबस है वो काफी हद तक इससे मैच कर रहा है। तो आपने अगर जीपैट का स्टडी अच्छे से किया है तो ये एंट्रांस आपको बहुत इजी जाएगा। और एज कम्पेयर टू जीपैट, इसके क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, कॉम्पिटिशन भी कम होता है क्योंकि कम स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर फार्माकोथेरापेटिक एजेंट, केमोथेरापेटिक एजेंट्स, ड्रग सिंथेसिस, आयुटेक नोमेनक्लेचर, देन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में फार्मास्यूटिक्स के अंदर दे हैव मेंशन द टेक्नोलॉजी ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो भी आपका फॉर्मुलेशन इवैल्यूएशन ऑफ पैरेंटल टैबलेट कैप्सूल एरोसोल्स, जो भी आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी का पार्ट है वो, बायोफार्म, माइक्रोबायोलॉजी, जीएमपी, देन सीजीएमपी। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। उसके बाद में यहाँ पर जो है फार्माकोलॉजी का भी आप सिलेबस देख सकते हो, फार्माकोलॉजी का भी। देन फार्माकोग्नोसी जो है इन्होंने एक्चुअल में इन्होंने ड्रग्स मेंशन कर दिए, तो इसी के ऊपर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये अच्छी बात है कि आपको पूरा फार्माकोग्नोसी नहीं पढ़ना है। देन उसके बाद में है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर इन्होंने रोल्स ऑफ हॉर्मोन्स, देन विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड मेटाबोलिज्म, देन इमोबलाइज एंजाइम, पीसीआर टेक्निक्स वगैरह। तो बहुत छोटा सिलेबस है, जनरली अगर आप इसको पढ़ने भी जाएंगे तो मोस्टली 1 वीक के अंदर ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, सो ऑल द बेस्ट, आप अप्लाई कीजिए इसके लिए। इफ यू रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ हेल्प, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन कमेंट योर डाउट्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल द थिंग्स, यू कैन जस्ट गो टू द कॉन्टेक्ट सेक्शन ऑफ दिस वेबसाइट एंड यू कैन कॉन्टेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और द एडमिशन ऑफिसर ऑफ दिस भारतीय विद्यापीठ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।